दिल्ली के चांदनी चौक के लाजपत राय बाजार में आग लग गई। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कोई हताहत नहीं हुआ है। घटनास्थल पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 7 जनवरी को दोपहर 1 बजे कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान CNCI के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। CNCI का दूसरा परिसर देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाया गया है। CNCI कैंसर रोगियों के भारी बोझ का सामना कर रहा था और कुछ समय से विस्तार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। दूसरे कैंपस के जरिए इस जरूरत को पूरा किया जाएगा। CNCI का दूसरा परिसर 530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा और बाकी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 75-25 के अनुपात में प्रदान किए गए हैं। फ्रांस में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। इस नए वेरिएंट का नाम IHU रखा गया है। इस नए वेरिएंट में 46 म्यूटेशन है। फ्रांस में अब तक IHU के 12 मामले मिले हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने मासिक पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट PDRD 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। यह राज्यों को जारी PDRD अनुदान की 10वीं किस्त थी। वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में 98,710 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। इस महीने जारी किए गए अनुदान का राज्यवार विवरण और 2021-22 में राज्यों को जारी पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की कुल राशि संलग्न है। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है। नोवाक जोकोविच 10वें ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए नहीं खेल पाएंगे। गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें प्रवेश से रोक दिया और उनका वीजा रद्द कर दिया। उन्हें देश में प्रवेश करने के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने के लिए रोक दिया गया था। जोकोविच अपने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब का बचाव करने और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के लिए शहर के टुलमरीन हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने टीकाकरण स्टेटस को शेयर करने से इनकार कर दिया है, लेकिन वह टीकाकरण का विरोध करते रहे हैं। मनाली में स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को सर्दियों की इस सबसे भारी बर्फबारी 1 फीट से 4 फीट हुई। भारी बर्फबारी से राज्य भर में यातायात प्रभावित हुआ और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। रिपोर्टों के अनुसार राज्य में लगभग 300 सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया था। मनाली के पास अटल सुरंग के दक्षिण पोर्टल पर लगभग 4 फीट बर्फ गिर गई, जबकि चंबा में पांगी और डोडरा क्वार में लगभग 2 फीट बर्फ पड़ी। कोकसर, सिसु और दारचा सहित लाहौल के कुछ हिस्सों में 1 फीट से अधिक बर्फ गिरी। भोजपुरी अभिनेत्री और बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी मोनालिसा अपनी आकर्षक तस्वीरों से सोशल मीडिया पर ग्लैमर का तड़का लगा रही है। इससे पहले मोनालिसा मालदीव में वेकेशन पर गई थी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपने मालदीव की कुछ तस्वीरें साझा की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अभिनेत्री ने कई तस्वीरों को क्यूरेट किया और उन्हें एक वीडियो में साझा किया और उन्हें कैप्शन दिया, हैप्पी मेमोरीज इन माई कैमरा रोल। कई हैं, मैंने कुछ चुने, ऐसी सुखद यादें, और भी बहुत कुछ आने वाला है।